10 पॉइंट एजेंडा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। बिजली दूसरा मुद्दा है, हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार, आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है, इसे खत्म करेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी जरूरतों के लिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, 1,000-1,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा, आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है, सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया, अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलती है। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल। यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे, हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते। अस्पताल, आज उत्तराखंड में इतने सालों के बाद भी पहाड़ों के गांव में किसी भी गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाए हैं हमने, आज लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते अमीर लोग, वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। सड़कें ठीक करेंगे, आज जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी और सड़कों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर लोग गांव-गांव के अंदर ये सड़क 10 दिन पहले बनी थी और आज टूट गई, क्यों टूट गई? उस ठेकेदार ने कौन से मंत्री को पैसे दिए, किस MLA को पैसे दिए, किस अफसर को पैसे दिए? सड़कें बनती है, टूट क्यों जाती है? ये बंद करेंगे, सड़कें बनवाएंगे भी और सड़कों की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। हमने गारंटी दी थी तीर्थ यात्रा की, हर उत्तराखंड वासी को अयोध्या जी के दर्शन करवाएंगे, मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अजमेर शरीफ के हम दर्शन कराएंगे, हमारे सिख धर्म के लोगों के लिए दिल्ली में भी हमने किया, करतारपुर साहब भी उनको दर्शन कराने ले जाएंगे। हमने कहा कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, इससे टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ेगा और इससे हमें उम्मीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं 34 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाते हैं, वो फौज से निकलने के बाद देश के प्रति लॉयल होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं, इतना बड़ा रिसोर्स देश का खराब होता है। तो हमने तय किया है उन लोगों को सरकारी नौकरी, सबको जो भी रिटायर होकर आते हैं उत्तराखंड वासी उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और ये सरकार उन पर एहसान नहीं कर रही है, हमें लगता है ये सरकार का बहुत बड़ा एसेट है जो खराब हो रहा है, उनको उत्तराखंड के नवनिर्माण में इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान अगर शहीद होता है ऑपरेशन में, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। उत्तराखंड का भी रहने वाला कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उनको भी हम फौजी या पुलिस वाला ऑपरेशन में शहीद होता है तो उनको भी हम 1-1 करोड़ की वो देंगे। ये सारी चीज़ें मिला के मैं देख रहा था कम से कम हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, तो 5 साल में हर परिवार को कम से कम सीधे तौर पे 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा इन सभी कदमों से।